अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर चैनल इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। आज का हमारा ऑटोकैड का 10वां लेक्चर है, जिसमें हम एक 2D प्लान ड्रा करेंगे, कंप्लीट 2D प्लान स्टेप टू स्टेप। वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, इंशाल्लाह 10-12 मिनट तक वीडियो, जिसमें जितना काम हो सके वो करेंगे। नेक्स्ट जो होगा, नेक्स्ट दोबारा फिर उसकी नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे। ये जितनी भी कमांड आज तक हमने सीखी है, इनको ही अप्लाई करते हुए हम एक 2D प्लान डिजाइन करेंगे। ठीक है, तो आइए चलते हैं, हम ऑटोकैड को ओपन करते हैं, अपने 10 नंबर लेक्चर की तरफ चलते हैं। ये ऑटोकैड आइकन है, इस पर मैंने क्लिक कर लिया तो ये मेरे पास ऑटोकैड ओपन हो गया। स्टार्ट से हम बेसिक जो करते हैं, फर्स्ट टाइम यू एन एंटर के बाद फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मैंने बताया था आर्किटेक्चर एंड 1/8। ठीक है, और यहां पर आपके पास होना चाहिए इंचेस। ठीक है, तो ये हो गए, तो नेक्स्ट प्रेस होगी। अभी एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, अगर आप इसको एडजस्ट करना चाहते हो तो यहाँ व्यू पे आ जाए, व्यू से डिस्प्ले, व्यू से आइकन, ओरिजिन, ओरिजिन पर ये फिक्स हो गया। अगर आप अब जूम करेंगे, कोई भी कमांड अप्लाई करेंगे तो ये आपके पास मूवमेंट नहीं करेगा। ठीक है, तो आइए चलते हैं, हम लाइन कमांड अप्लाई करते हैं, एल इंटर, स्पेसिफाई द फर्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट मैं इसको दे देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मुझे चाहिए 28 feet, प्रेस इंटर, ऐसी मुझे चाहिए 50 feet, इंटर, पेर नेक्स्ट 28 feet, इंटर, नेक्स्ट सी इंटर, क्लोज हो गया। ठीक है, तो अगर अब आप ये चाहते हो देखना, यही बेसिक टाइम चाहते हो कि ये लाइन मेरे पास 28 है कि नहीं, उसके लिए डी आई एंटर एक कमांड है, उस फर्स्ट पॉइंट एंड सेकेंड पॉइंट, तो यहाँ पर ये शो कर रहा है, आपको ये देख सकते हो, ये एरर के साथ निशान बना हुआ है, दैट इज द 28 feet। ठीक, नेक्स्ट ये एक प्लॉट मैंने ड्रॉ कर लिया, ठीक है, रेक्टेंगल शेप्स का है, तो इसी पे हम आज अपना 2D काम स्टार्ट करें। फर्स्ट ऑफ ऑल वॉल के लिए ऑफसेट में लेने चाहते हूँ, वही कमांड ओ इंटर साइज 9 inch, इंटर, सेलेक्ट लाइन और इस साइड पर आप क्लिक करते जाए तो ये आपके पास ऑफसेट लेता जाए। ठीक है, ये हो गया। अब मैं चाहता हूँ कि ये लाइन मेरे पास रिमूव हो जाए, तो उसके लिए TR double enter कमांड है, यहाँ से ये लाइन देख रहे हो, ये मैंने रिमूव कर लिए चारों साइडों से। ठीक है, नेक्स्ट इसमें हम फर्स्ट ऑफ ऑल इसके बैक साइड पर हम वॉशरूम रखना चाहते हैं, ऑफसेट 5 feet, इंटर। ठीक है, तो ये मेरा वॉशरूम का ऑफसेट, उसके वॉल का ऑफसेट, तो ये हो गया 9 inch ऑफसेट। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर मेरे पास 8 feet एक साइड से आ जाए, वॉशरूम 1 feet, 8 feet उसकी ऑफसेट 8 feet, इस लाइन का मैंने ऑफसेट ले लिया और इसका भी मैंने ऑफसेट ले लिया। ठीक, तो अब मैं चाहता हूँ इसके वॉल बन जाए ऑफसेट 9 inch, ऑफसेट 9 inch। ठीक है, ये एक्स्ट्रा जो लाइन है ये मैं रिमूव करता हूँ TR double enter, तो ये देखिए ये मेरे पास रिमूव हो गया। ठीक है, यहाँ से भी इसको मैं रिमूव कर लेता हूँ। ठीक है, तो ये भी रिमूव हो गए, ये भी रिमूव हो गए, ये भी रिमूव कर ले। ठीक है, तो ये आपके पास रिमूव हो गए, तो ये बाग के साथ ये यहाँ पर ये दो वॉशरूम और एक ओपन एरिया आपके पास रहेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट कमांड अप्लाई करते हैं, इसके लिए वॉल हम करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल इसको वॉल के लिए मैं दे देता हूँ 14 feet, इंटर इसके। ठीक है, अब 9 inch यहाँ पर आप। ठीक है, तो ये रूम तकरीबन बन गया 13 feet 3 inches, और ये बन गया 12 foot 6 inch। ठीक है, देन ये ओके है हमारे पास।
नेक्स्ट हम इसकी लेंथ रखना चाहते हैं, ये वेट हो गई। अगर हम लोन की लेंथ रखना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल लेंथ मैं रखना चाहता हूँ 13 फीट, ऑफसेट 13 फीट, देन ऑफसेट 9 फीट। ठीक, तो ये हमारे पास रूम्स भी ड्रॉ हो। तो ये टी आर डबल इंटर, यहाँ से ये मैं एक्स्ट्रा लाइन जो है ये मैं रिमूव कर देगा। ठीक है, तो यहाँ से ये रिमूव हो गई, इसको भी मैं रिमूव कर लेता हूँ, तो ये भी रिमूव हो गई। ठीक है, अब नेक्स्ट हम इसमें एक किचन ड्रॉ करना चाहते हैं। ऑफसेट 8 फिट, ऑफसेट 8 फिट मैंने इसका ले लिए। ठीक है, इसका ऑफसेट 9 इंच, ठीक है ये भी हो गया। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि इसकी मतलब चौड़ाई हमारे पास 10 फिट हो, ऑफसेट 10 फिट, ठीक है तो ये भी आ गया, ऑफसेट 9 इंच, ठीक ये भी आ गया। अब ये एक्स्ट्रा लाइंस है, ये वाली लाइन इसको मैं रिमूव कर लेता हूँ, टी आर डबल एंटर, तो ये रिमूव हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर आप इसके साथ मतलब वॉशरूम्स वगैरह और मतलब गेस्ट रूम यहाँ इसी साइड पर अगर मैं करना चाहता हूँ, तो इसके लिए मैं वॉशरूम के लिए ऑफसेट 5 फिट, ठीक है ऑफसेट 9 इंच, ठीक है तो ये मेरे पास ड्रॉ हो गया। ठीक है, अब ये मैं देखना चाहता हूँ कि ये जगह मेरे पास कितनी रह गई, डी आई इंटर, तो ये हमारे पास रह गई 12 फिट 6 इंच। ठीक है, तो इसी को आप एक्सटेंड कर लें यहाँ पर। ठीक है, तो एक्सटेंड हो गया, ये समझो हमारे पास एक इसकी वो बन गई, हॉल बन गया। ठीक है, ये किचन हो गया, ये वॉशरूम्स हो गए। ठीक है, तो अब इसी के साथ मैं एक यहाँ पर गेस्ट रूम बनाना चाहता हूँ, टी आर डबल इंटर, ये एक्स्ट्रा लाइन जो है मैं यहाँ से ये रिमूव कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ से रिमूव हो गई, तो इसको मैं साइज दे देता हूँ 13 फिट। ठीक है, मेरे पास 13 फिट ऑफसेट यहाँ पर आ गया। ठीक है, ऑफसेट 9 इंचेस, तो ये 9 इंचेस ऑफसेट यहाँ पर आ गया, डी आई इंटर, तो ये हमारे पास कार पोर्च और स्टेयर के लिए 12 फिट 9 इंचेस जगह रह गई। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे कार पोर्च और स्टेयर दोनों इजीली आ जाएंगे। ठीक है, अगर आप चाहते हो कि मतलब ये हमारे पास थोड़ा सा बड़ा आ जाए, तो वो भी आप कर सकते हो, जैसे आपको बेहतर लगे। ठीक है, तो ये टी आर डबल एंटर, यहाँ से इसको मैं ये जो एक्स्ट्रा लाइंस हैं मेरे पास इसको मैं रिमूव कर लेता हूँ। ठीक है, ये तकरीबन सारे ये एक्स्ट्रा लाइंस हैं। ठीक है, यहाँ से इसको भी मैं रिमूव कर लेता हूँ, इसको भी रिमूव कर लेता हूँ। ठीक है, तो ये तकरीबन एक प्लान हमारे पास ड्रॉ हो गया। अगर आप इसी को अब सेव करना चाहते हैं, तो फाइल में चले जाएं, सेव एज पर क्लिक करें। सेव एज पर क्लिक करने के बाद इसके लिए आप एक लोकेशन सेलेक्ट कर लें, मैं सेलेक्ट कर देता हूँ डी। डी में मैं चला जाता हूँ यूट्यूब के लिए जो फोल्डर मैंने बनाया हुआ है उसी पर मैं चला जाता हूँ, ये यूट्यूब फोल्डर है, इसको मैं दे देता हूँ 2D प्लान। ठीक है, तो ये 2D प्लान इसको मैंने दे दिया। ठीक है, तो अब इसको मैं सेव पर क्लिक करता हूँ, तो अब ये फाइल मेरे पास ऑलरेडी सेव हो गई है। ठीक है, अगर आप इसमें अभी अगर आप कहते हो कि अभी इसमें हम और काम भी करते हैं, तो ये वीडियोस हमारे पास लंबी हो जाएगी। ठीक है, तकरीबन ये 9 मिनट से ऊपर हो गई है। ठीक है, अगर आप चाहते हो कि इसी में हम काम करें और, तो इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो इसमें डोर क्रिएट करेंगे। डोर क्रिएट करने के लिए डोर के साइड पर हम जगह जोड़ते हैं 6 इंच, और इंटर 6 इंचेस, यहाँ से मैं ऑफसेट ऑफसेट। ठीक है, अब इन दोनों लाइनों को मैंने एक्सटेंड कर दिए। ठीक है, अब नॉर्मल डोर जो होती है 3.5 फिट की होती है, मतलब 3.5 फिट की। ठीक है, तो ये 3.5 फिट ऑफसेट, 3.5 फिट यहाँ पर आ गया। अब डोर की जो थिकनेस होती है वो 2 इंच होती है, तो यहाँ से मैंने 2 इंच इसकी ऑफसेट ले ली। नेक्स्ट सर्कल कमांड सी एंटर, इस सेंटर से आपको यहाँ पर क्लिक कर लो,
तो ये आपके पास बाकायदा डोर का सिंबल बन जाएगा। TR डबल एंटर, इसको लाइंस को एक्स्ट्रा जो लाइंस है वो मैंने यहाँ से रिमूव कर लिए जो मुझे नहीं चाहिए, ठीक है। तो इसको भी सेलेक्ट कर ले, इसको ई एंटर, ठीक है, ई एंटर, ये हमारे पास ये लाइन खत्म। तो ऑटोकैड में जो बेसिकली हमारे पास डोर नजर आती है वो कुछ इस शेप्स की होती है जो आपको ये नजर आ रही है। ऑटोकैड में हम ड्राइंग में डोर को इस तरह शो करेंगे। नेक्स्ट ये डोर भी मैं कर लेता हूँ सी इंटर। सी इंटर प्रेस करने के बाद इस यहाँ से क्लिक करके यहाँ पर दोबारा क्लिक कर ले, ठीक है। फिर टी आर डबल एंटर, एक्सटर्नल लाइंस जो है मेरे पास इसको मैं रिमूव कर लेता हूँ, ठीक है, ये हो गई रिमूव, ठीक है। तो ये दोनों डोर्स ये आपके पास बन गए, ठीक है। तो इसको आप अगर सेव करना चाहते हो कंट्रोल एस प्रेस कर लो तो ये फाइल आपके पास जहाँ पर आप सेव हो गई ये नेक्स्ट काम इसमें सेव होता जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट टिप जो है हमारा वो है इसमें कंप्लीट इसमें डोर्स क्रिएट करना, डोर्स के बाद विंडोज के बाद इसमें हम टेक्स्ट करेंगे, डायमेंशन करेंगे। इंशाल्लाह ये बाकिया जो काम है वो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में होगा। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।